सपने सिर्फ मुंगेरी लाल ही नहीं देखते, भागमती भी देखती हैं, लेकिन वे प्रायः तो स्वप्न होते हैं। काश कि वे सिर्फ सपने होते। भागमती अक्सर इसके बारे में सोचती है कि वे तो सब कुछ समझती, बूझती, जानती और मानती हैं, मरने मारने की बात तो कभी सोचती नहीं, फिर सपनों में यह सब कैसे आ जाता है जिसके बारे में वे खुद कभी सोचती ही नहीं। ऐसे दुविधा के क्षणों में वह भगवान की ओट लेती हैं, हे दीनानाथ, हे पालनहार, तुम ही उबारो, दिशाहीन को दिशा दिखाओ। प्रभु प्रभु परिदृश्य पर प्रकट होते हैं या नहीं, नहीं मालूम, पर भागमती की श्रवणेंद्रियां कुछ अतिरिक्त श्रवण पटु हो जाती हैं, उन्हें बाहर की भी आवाजें सुनाई देने लगती हैं और मन के भीतर की भी। जब तक सांस लेने के लिए हवा मिलती रहती है तब तक कोई भी बढ़ते हुए पानी के बारे में नहीं सोचता, लेकिन बढ़ता हुआ पानी सिर से ऊपर जाते ही निष्क्रिय से निष्क्रिय प्राणी भी हाथ पांव मारने लगता है। भागमती पड़ायन के साथ बिल्कुल यही हुआ। दो बेटे और चार बेटियां और आठ पोते नाती नातिनों वाली भागमती ने सुमेधा को सिर से ऊपर गुजरने वाले पानी की तरह पहले देखा ही नहीं, लेकिन एक दिन बंद आंखों से उन्होंने देख लिया कि अब अगर नहीं संभली तो डुबा दी जाएंगी। बस यही एक बिंदु था कि वे सपने में उठ खड़ी हुई। पाणे बगल में ही सोए थे, अब दोनों के संबंध इस मुकाम पर पहुंच चुके थे कि एक ही बिस्तर पर दोनों एक दूसरे की ओर पीठ फेर कर सोते। एक दूसरे की ओर मुंह करके सोना तो एक इतिहास हो चुका था और चूमना तो चांद की यात्रा की तरह दुर्लभ, क्योंकि चंद्रयान कहीं था ही नहीं। ऐसा नहीं था कि उनकी सांसों से बदबू आती थी, बल्कि पांडे आदतन दिन में 3-3 बार माउथ फ्रेशर का उपयोग करते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि ऐसा न होने पर सुमेधा उंगलियों से उनका गाल दूसरी ओर घुमा देती है और तिरछी मुस्कान में इतरा कर कहती है, पंडित जी महाराज, जरा दूर से ही बात कर लीजिए। बस एक ही खराब आदत है हमारे बुढ़ऊ की, खर्राटे ऐसे लेते हैं जैसे हवा से कुल्ला करते हों। भागमती अब तक लाड़ से ही हमेशा अपने पति के बारे में सोचती आई थी, लेकिन अब भागमती को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने अपने कान में उंगली डालते हुए इस बात की तस्दीक की, यह सब सच है या उनका वहम है जो वे सुन रही हैं। अपने पति की ऐसी भर्राई आवाज भागमती ने पहली बार सुनी थी। ऐसी आवाज में तो कभी उन्होंने उनसे बात ही नहीं की। पाड़े फुसफुसा रहे थे, पर ऐसे भी नहीं कि संवाद सुनाई न दे। मेरी बात सुनो मेधा, तुम इस घर में कैसे रह सकती हो? आखिर आती जाती हो या भी बहुत है, लेकिन बेटे बहुओं बेटी दामाद वालों इस घर में तुम्हारा होना असंभव है। अब अगर तुम इस अड़ी पर अड़ी खा जाओगी तो यह तुम्हारी ज्यादती होगी। अरे उसकी क्या बात कर रही हो, वह तो गाय है। तुम मेरे लिए करवा चौथ निर्जला व्रत काहे रहोगी पगली, वह भागो ही करेगी, करने दो उसे, जिद मत करो। क्या मजाक करती हो, चांद क्या तुम्हारे कमरे में उगेगा? रहने दो यार, ऐसी ऐसी नौटंकी भागो को ही सोहती है, वो तुम्हारा काम नहीं कर सकती और तुम जिस काम में पारंगत हो वही करो। इधर आओ मेरे पास, एकदम इधर, कौन मुझे तुमसे शेयर कर सकता है? भागो तो इस फर्श पर ऐसे है कि पांव के अंगूठे से जिधर सरका दो उधर ढुलक जाती है और फिर वहीं पड़ी रहती है। क्या बेवकूफी की बातें करती हो, भागो को तकिए के नीचे दबा दूं? तुमसे उम्र में बड़ा हूं, तुम्हारा गुरु रह चुका हूं, क्या तुम मुझे अब भी नहीं समझ पाए? वह तो पहले से ही गूंगी है, संज्ञा में वह एक देह मात्र है लेकिन चेतना में पूरी तरह सीता है। तुम्हारी उंगलियों की छुअन को मेरी देह पर बर्दाश्त करके भी मेरा ही कल्याण चाहती है। अच्छा बाबा, किसी दिन मौका देख कर वह भी कर ही दूंगा, अब तुम जो न करवा दो मेधा प्रिय। भागमती
सन्न रह गए। सीना धौंकनी सा धुक रहा था। उनका माथा घुमौरी खा रहा था कि पूरा कमरा ही नहीं पूरा ब्रह्मांड हिलने लगा। तो उनकी आशंका निराधार नहीं थी। और फिर वह हो गया जिसका अंदेशा पड़ाई को भी नहीं था। पास में रखा तकिया उठाया उन्होंने और पाड़े के मुंह पर रखकर दबा दिया। गों गों की आवाज करते हुए उन्होंने थोड़ा हाथ पांव पटका और शांत हो रहे। पड़ाइन पसीने से लथपथ थी। पाड़े के शरीर का खून पानी में बदल रहा था। अजब बात है, पड़ाइन ने पाड़े जी की हत्या कर दी, वो भी ब्रह्म मुहूर्त में। अरे बाप रे, कैसी गऊ सरीखी दिखती थी, पतिव्रता सीता की साक्षात प्रतिमूर्ति। अब यह छछंद छल छंद गांव से शहर तक जो भी सुनता हक्का पक्का रह जाता। अखबारों के पन्ने पर पन्ने रंग गए। पुलिस ने पड़ाइन को रिमांड पर ले लिया। चार्जशीट पेश की गई, मुकदमा पेश हुआ। सपने में ही दृश्य पटल बदला और उन्होंने अपने को कटघरे में खड़ा पाया। जज के सामने जब पड़ाइन पर चार्ज लगाया गया तो सुनते सुनते वे बिफर पड़े। कुछ मत पूछो जज साहब, बस चुप्पा ही रहो, हम कबूलते हैं कि हमने अपनी आत्मा का दाग धोया है, बाकी अपराधी हम नहीं हैं। साहेब, अगर दुनिया में कहीं भगवान हो तो उसको साखी जान के हम ये बात कहना चाहते हैं कि जिसका जिक्र हमने सपने में भी कभी किसी से नहीं किया, भगवान से भी नहीं। 50 बरस चुप रहे लेकिन आज हम चुप नहीं रह सकते। मेहरारून की आँख का पानी कब सूखता है? आए जब आँख से खून आने लगता है। हमारे सख्त सत्य की परीक्षा क्या सिया माई से कम है? एक सिया माई रही सुकुमारी जनक तुलारी, बाकी राम जी से क्या मिला? खाली अपच्छा लांछन और जंगल। एक हम है भागो जिसका कर्म ऐसा फूटा कि गारी में बनवास काट दिए। 1-2 बरस नहीं, पूरे 50 बरस। आज़ादी की आधी सदी और हमारी गुलामी की आधी सदी। एक का तो पूरा रामायण पोथी में मिल जाएगा पर हमारी कहानी किसी किताब में नहीं मिलेगी जज साहब। कभी कभी धोखा आंख के सन्मुख होता रहता है। बाकी सील संकोच का जो पर्दा आंखों पर डाल दिया हो तो हटता बहुत देर से है। यही पर्दा हमारी आंख पर पड़ा रहा और ऐसे पड़ा रहा कि हम देख ही नहीं पाए कि जो हमारी बिटिया बन के हमको माते माते कहती घूमती रही वो वास्तव में सौतिया छछंद खेलती रही। बाकी तो एक ठो ओट रहा खाली। और ये धोखा भी कैसा, एकदम आंख में सीधा अंगूरी डाल। जो उजबकई बेवकूफ़ी हमसे हुई वो हमारे महतारी बाप की सीख से हुई कि हम अपनी जुबान को मुंह के अंदर बंद रखें, आंख मूंद लें और हाथ से खाली सास ससुर भतार के गोड़ पांव दबाएं। बस यही हमारा फर्ज, यही हमारा धर्म। सो किया हमने घर और काम, काम और घर, बाल बच्चों को पालना पोसना बड़ा करना और 2 बेर बखत के खाने से फुर्सत मिले तो मठरी शक्कर पारे और अचार बनाना, आम का अचार नींबू का अचार कटहल करेले करौंदे का अचार, ये अचार वो अचार। आज जिंदगी अचार का मर्तबान बन के रह गई जज साहब। जब से हमारी शादी हुई कहीं प्रोफेसर पाड़े जी से शुरू से सुनाते थे, इन्हीं प्रोफेसर पाड़े जी से शुरू से सुनाते हैं। हम बिन बाप की अकेली लड़की और माँ की खूब दुलारी, 2 बड़े भाई और बहुत नोहे निखोरे पले सब। हमारे बाप बहुत जल्दी चले गए, पाँव में कीला गड़ा, ध्यान नहीं दिए, घाव बढ़ के पक गया, बस खत्म। अम्मा हमारी हाथ पर घूंघट काट के बाहर भीतर सब संभालिए। बहुत मुसीबत रही, बाकी अपना हाथ किसी के सामने पसारी नहीं, मुट्ठी बांध के देती ही नहीं। उधर हमारे ताऊ की पहली मेहरारू 2 बच्चा छोड़ के सिधार गई, 13वीं बीती के झट से दूसरी ले आए। नई महतारी दोनों बिटनियों के
तो जैसे नौकरानी बनाए ली, अपने 5 बच्चे पैदा कर लिए और घर में रोटी के लिए कौआ शोर मचा रहता। धीरे धीरे थाव ताऊ के खेत रेहन चले गए। अब तुम ही सोचो, मर्द न रहे तो औरत बाल बच्चा घर द्वार खेत खलिहान सब संभाल के चलती है, परिवार को संपत्ति को एक मुठ में करके चलती है। पर मर्द की औरत गुजर जाए तो उसे 4 दिन गृहस्थी संभालना एकदम आह। 2 दिन औरत के बिना घर चलाना मुश्किल। सो हमारी महतारी ने हमारे लिए देखा ऐसा लड़का जो किताब उताब पढ़ता होए, चंतत होए और होए सीधा सच्चा। तो हमारे प्रोफेसर पाड़े जी ऐसे ही रहे। तब तो खाली यही देखा जाता रहा कि लड़का शहर में पढ़ता है। सखी सहेली है, हम्मा सुम्मा सब कहे, पाहुन तो एकदम पोथी के सुसुई, चांदी के रंग का एक कीड़ा जो किताबों को चट कर जाता है। ये तो 24 घंटा किताब में मूड़ी गाड़ के पड़े रहते। जब हमारी शादी हुई तो हम 13 के रहे। वह जमाना ऐसा ही रहा जैसा है। इसी उम्र में सब की किस्मत तय हो जाती रही, हमारी गांठ भी बांधती गई। वो दिन आज भी याद आता है तो खाली हंसी नहीं आती। इस बात पर आज गुस्सा के साथ कुफुत भी होती है कि कहां से हम चले और कहां आए गए। एक समय वो भी रहा कि जब मोर बांध के ये मड़वा में आए तो हमारी सखी सहेली निकोटा चिकोटी करने लगी, ये तो बेचारे भगवाए गए। और जब कोहबर में आके बैठे तो हमारी बुआ चाची मौसी मामी सब लगी इनसे नात पीत के लोगों का नाम पूछने। ये एकदम मौनी बाबा, सब सोचे कहीं लड़का गूंगा तो नहीं। वो सब भी कम नहीं रही, लगी बार बार पूछने। पहले तो ये जपत किए रहे लेकिन जब नहीं रहा गया तो लगे भक भक रोने। अब सब हैरान कि आए ये कैसा लड़का, एकदम उत्तर प्रदेश की सी भाषा में है, बचवा जैसे रो रहा। या बिहार, उत्तर प्रदेश बिहार का वो जो इलाका है वहाँ ऐसी बोली बोली जाती है। क्या कमाल की भाषा याद की है मैम ने, सुधा अरोड़ा जी की कहानी है ये दोस्तों। एक वो दिन और एक ये दिन कि हमारे बगल में रह के भी हमसे इतना दूर। 4 साल बाद हमारा गौना हुआ, तब भी ये बहुत लजाधुर रहे। महीनों बीत गए हम इंतज़ार में और ये किताब में। एक ही पठानी हम आए और जब पियर गए तब अपने भीतर एक जीव लेके वही ट्रेन में चले गए बनारस। अब तो ये पढ़ने खातिर गए बनारस, आए तब हमारी अप्पो अपराजिता 8 महीना की हो गई रही। ऐसे हंसती रही और ऐसे बकैया चले कि जो कहीं जाता भी हो तो उसको उठा ले गोदी में। वो समय जब ये आए तो वहाँ वहाँ डुगुर डुगुर डोलती रही। पढ़ाई के बाद ये हो गए टीचर, 4 साल बाद चले गए बिलायत, जाने से पहले मिलने को आए। वो दफा तप्पो तपस्या गोद में आई। अब तो ये जब विदेश से आए तो एक एक ठो गदेली हमारी गोद में डाल गए। लप्पो लोपा जस्सो अस्मिता कुल 4 जन हो गए। हमारी तो फजीहत, कहीं अप्पो तप्पो मारा मारी कर रही, कहीं लप्पो जस्सो। जब तक उनको संभारे तब तक पता चला कि तप्पो गिरकर मारा माथा फोड़ ली। अब तो नाक में दम हो जाता, एक जान सौ बवाल, अकेले क्या क्या करें। बाकी खाली बच्चा संभारने का तो था नहीं, सास ननद का गोहना ताने भी सुनबे को रहा। जस्सो हुई तब से ये सब शुरू हो गया। सॉरी से बाहर भी नहीं आए, छठी भी नहीं बीती कि सब कपड़ा लेके ननद सामने पटक दे, लियो कपड़ा फेंचो अलमार सद्य प्रसूता देह जार पड़त है, ठंड लग गई तो लड़की को ताप हो जाए, इसका कोई ख्याल नहीं, बस कपड़ा फेंचो, बर्तन माजो और झाड़ू बहारू करो, खाना बनाओ, ऊपर से सास के गोड़ दबाओ। सवेरे सवेरे रोज बताया जाता रहा कि 4 गो लड़की पैदा करके हम कुलवंश को यहीं डुबा दिया, ये घर खंडहर करने का उपाय भी कर दिया। हमारी हालत क्या रही ऐ क्या बतावे, खाली इनका ख्याल करके हमारे ऊपर हाथ नहीं छोड़ा जाता रहा। बाकी कौन कर्म नहीं किया गया, कैसे हम रहें क्या बतावे। जब चारों ओर से आदमी के ऊपर बादल गहराने लगे तो वो सांप का बिल में भी सुरक्षा खोजने लगता है। यही होता है दोस्तों, क्या कमाल की बात कही है मैम ने।
वो तो ईश्वर की कृपा की दो बछुआ भी आ गए, मन्नो मनोहर और कप्पू कपिलेश। उसके बाद ये विदेश से लौट आए तो हमारे बच्चा नली बंद करा दिए। बोले, आठ दर्जन बच्चा हो ही गए, अब बस। हम पहली दफ़ा इनके सामने मुंह खोले कि इतना पढ़ लिख के अपने कुल बस का गिनती गेहूँ बो धान के बोरा माफी करें, ये अच्छी बात नहीं। बाकी ये इतने चुप्पे कि बस पूछो मत। लगता रहा कि एकदम गूंगे, गिलास का पानी खत्म, चुप। नमक बेसी पड़ गया, चुप। तरकारी अलौन माने नमक डालना भूल गए, चुप। कोनो सवाल नहीं। हम सोचे कि हमसे कितना प्रेम करते हैं, कैसा ही घास फूस पकाकर सामने रख दो, कुछ नहीं बोलेंगे। ऐसा मर्द किस्मत से न मिलता है, सोचते हम कितना भाग्यशाली हैं, क्या इसीलिए अपना नाम भागो रख दिए महतारी बाप। हमें क्या पता कि आगे क्या होने वाला है। चले आए इनके साथ साथ मुंबई के ये माचिस के डिबिया जैसे फ्लैट में। हमारे बाल गोपाल सब इसी शहर में पढ़े लिखे, शादी ब्याह हुआ, हम अपने इसी छोटे से फ्लैट को ही अपना पूजा घर मान के खूब साफ सफाई से रखते चमकाते रहे। ये हरदम हमारे हाथ में झाड़न देखते तो ठिठलाते, अरे ये भागमती है, तुहार जन्म तो इस आठ नंबर फ्लैट का धूल मिट्टी बुआरने के लिए ही हुआ। जब आप ही देख लो, जिधर आँख जाए किताब ही किताब, ये देखो अलमारी। लोग बाग गोदरेज की अलमारी में कपड़ा जेवर रखते हैं ताला बंद करके, ये किताब को ताला चाबी में बंद करके रखते हैं। किताब ही इनका सोना चांदी हीरा जवाहरात है। हम कहते हैं सफाई कैसे करें, खाने का मेज तो किताब से आटा है, तो ये कहते हैं इसी का तो रोटी खाती हो, इसका पूजा अर्चना करो, से हटाने को मत कहो। हम तो इसी में घुस के कि प्रोफेसर साहब कितना, हम तो इसी में खुश कि प्रोफेसर साहब कितना बड़ा आदमी है, कितना विद्वान लोग हमारे घर में आते बतियाते हैं, और इनका चेला चेली का तो कुछ मत पूछो। हमेशा इनके आगे पीछे लड़का लड़की चक्कर मारते, गुरुजी ई बात, गुरुजी ये बात, गुरुजी वो बात, ये भी अपने चेला चेली को इतना लड़ियाते कि मत पूछो। पढ़ाई वो सब करते रहे, पास होने की चिंता इनको होती रही। और एक दिन वो भी आए गए सुमेधा, घर में घुसते ही गोड़ पकड़ ली, प्रणाम माते। वो नहीं रहा सीरियल माते सीरी वाला महाभारत, एकदम वैसे अब माते भी क्या करें, करेजे से लगा लिए, सकल भय बनरिया बंदरिया जैसी रही, बाकी लीला ऐसी कि अच्छे अच्छे की आँख मुझ जाए। हमारी आँख मुझ गई, हम तो सोचे कि ये शोध करने के लिए आई है, दागेंदर साहब भी यही कहे कि बिना महतारी की लड़की है। परम दुखियारी, जन्म से ही दुख झेल रही, बाप मजूर रहा, रोज कुआं खोद के पानी पिए वाला, कल का कोनो सपना नहीं, बस बचपन में ही लड़की की बाह एक मजूर के हाथ में पकड़ा के फारे दे गए, वो अनपढ़ गवार ये पढ़वैया, वो रोटी मांगे ये किताब लेके बैठी रहे। जल्दी ही मामला ये हो गया कि वो इसका चाटा झोटा खींच के लातन मुक्कन मारे, ये बिचारी हियाँ लुकाए हुआ छिपे, अड़ोस पड़ोस भी ऊब गया, इसकी ओर से कोई बोलने वाला नहीं। आखिर औरत मरद का झगड़ा में कौन बोले और क्या बोले, इसका फर्ज रहा कि उसको रोटी बना के खिलाए, बाकी इसको आवे तब ना। एक दिन आटा में आधा लोटा पानी डाल के सानने लगी, अब घर में तो एक तो आटा नहीं, उस पर से ये गिल पोकन आदमी आया, भूख के मारे आँख के आगे अंधेरा, बस रोटी न मिली तो लगा इसको धोने। जो सुने वो कहे कि ये कैसी मरारू की आटा भी नहीं सान सकती, थलत्तर बनी क्या, बस इसके आदमी को तो मिल गया रोज़ रोज़ कुटम्बस का सर्टिफिकेट। जिंदगी नरक हो के रह गई या कोई रास्ता कैसे निकले, बस वो भी वहाँ से भाग ली। भरसाई में जाए दुल्हा, ये कहानी सुमेधा अपने सर ए फिर डॉक्टर साहब ए फिर बाबूजी के रो रो के सुनाई। और हमारे भरतार, ये जो हमारे भरतार कम और इसके बाबूजी ज्यादा हो गए थे, हमको सुनाए। अब इसमें कितना झूठ कितना सच भगवान राम जी भी नहीं बोल सकते, पर वो टाइम सुन के हमको बहुत दया लगी।
करेजे से लगा लिए। बाकी वो समय कहाँ मालूम रहा कि हम आस्तीन के सपोली को गले से लगावत हैं। और इसकी दशा कहो चाहे दुर्दशा, आँख खोल खोल कर हम देखत रहे। इनका तो हुलिया बदल गया, धोती कुर्ता छोड़ के शर्ट पतलून शुरू, गुलबिया रंग की चौकटे वाली कपड़े की शर्ट जैसी हमारी तप्पू स्कूल में यूनिफॉर्म पहन के जाती, पतलून के भीतर खोस खोस के पहनने लगे, खुशबूदार साबुन से स्नान करने लगे। स्नान के बाद गमकौआ पाउडर गाल पर लोशन, महकते दहकते जाए अपना यूनिवर्सिटी। हम भौचक, बिलैत से आकर भी धोती कुर्ता ही पहनते रहे और अब ये फिरंगी पोशाक पहन के साहब बने का फितूर। अपनी तोंद को भीतर धकेल धकेल के भिनसारे उठ के करने व्यायाम, देह छरहरी हो गई जैसे हिंदी फिल्म के राजकुमार। हम सोचे प्रभु इन पर कैसा जादू छाए रहा।